हे गाइस व्हाट्स अप। IMC गए हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कि हीलियो P70 प्रोसेसर के साथ जो पहला डिवाइस आएगा वो होगा रियलमी की तरफ से। इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो पहला डिवाइस आएगा हीलियो P70 प्रोसेसर के साथ वो रियलमी लेकर आएगा। और वो एक्चुअली आ चुका है, 28 नवंबर को दिल्ली में रियलमी U1 का लॉन्च है, और रियलमी U1 वो पहला डिवाइस होगा जिसके अंदर हीलियो P70 का प्रोसेसर आने वाला है। सो वेल, 28 तारीख को मैं इवेंट ज्वाइन करूंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हारे लिए एक हैंड्स ऑन वहीं से वीडियो बना सकूं, लेकिन उसको देखने के लिए तो मैं नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करना है, और उसके साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना है ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ। ओके, सो इस वीडियो में हम रियलमी U1 के अभी तक जो भी लीक्स स्पेक्स हैं, जो भी जितने भी स्पेक्स लीक हुए हैं, और उसकी काफ़ी सारी इमेजेस सर्कुलेट हो रही है इंटरनेट पर डेली बेसिस पे, और अभी अंतुतु बेंचमार्क का भी स्कोर आया है, और प्राइसिंग वगैरह सब चीज़ों की हम इस वीडियो में बात करेंगे। वेल, लीक काफ़ी सारे आ रहे हैं, आई डोंट नो ये कंपनी की तरफ से हाइप बढ़ाने के लिए या फिर वैसे ही लीक आ रहे हैं, बट जो भी है हम इस वीडियो में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले U1 के स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा मीडियाटेक हीलियो P70 का 4GB रैम के साथ। अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे 6.3 इंचेस की डिस्प्ले एक्सपेक्ट करी जा रही है, अभी कंफर्म नहीं है, ये 100% कंफर्म नहीं है, बट 99% 6.3 इंचेस की डिस्प्ले होगी, और ये आएगी 19:5:9 के रेशियो के साथ। हाँ, थोड़ा सा अलग है रेशियो इसके रेशियो के साथ, और ये होगी 1080p की IPS फुल HD डिस्प्ले। अगर कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे पीछे ये फीचर करेगा एक 16 MP प्लस 2 MP का कैमरा सेटअप। अभी जो यहाँ पे सेकेंडरी कैम है 2 MP, वो 100% कन्फर्म नहीं है, या तो वो 2 MP होगा या फिर 5 MP होगा, बट चांसेस आए कि 16+2 MP होने वाला है। और जो यहाँ पे फ्रंट कैम होगा वो मिलेगा आपको 24 MP का। अगर अमेज़ॉन के बैनर की बात करें, अमेज़ॉन पे इसका बैनर आ चुका है, उसकी बात करें तो उस पर लिखा है इनकी टैगलाइन रियलमी U1 की, इंडिया सेल्फी प्रो। तो वेल, आप गैस कर सकते हो कि यहाँ पे सेल्फी कैमरा काफ़ी तगड़ा होने वाला है। बाकी जो माधव सेठ इनका CEO है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे कुछ फोटोज पोस्ट करी थी जो कि क्लिक करी गई थी रियलमी U1 के फ्रंट कैम से, वो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये फोटोज रियलमी U1 के फ्रंट कैम से क्लिक करी गई हैं, डिटेल वगैरह आप देख सकते हो अपने अंदाजे से, बाकी जब हम जाएंगे तब लाइव ट्राई करेंगे कैसा रहता है। और अगर हम बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी एक्सपेक्ट करी जा रही है जो कि नॉन रिमूवेबल रहेगी। वेल, ये थे बेसिक स्पेक्स जो अभी तक लीक हुए हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही सेम हैं। और एक और चीज़, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलेगा, बैक पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, ये भी CEO ने इमेज आई है, मतलब CEO ने कहीं पे गए थे किसी मीटिंग में, वहाँ पे किसी बंदे ने इमेज क्लिक करी थी है, तो उसमें देख रहा है कि आपको बैक में रियल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो ये बात थी इसके स्पेक्स की और इसमें क्या क्या फीचर हो रहा है। बाकी अभी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इमेज आई है इंटरनेट पे, ये तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, अंतुतु का बेंचमार्क स्कोर। इसमें कंपेयर कर रहे हैं जो शाओमी का रेडमी नोट 6 है उसको ऑनर का जो ATX है उससे, और साथ में उसे कंपेयर करा है रियलमी के U1 से। वेल, अगर तुम्हें सीधे सीधे बताऊँ तो स्नैपड्रैगन 636 वर्सेस किरीन 710 वर्सेस हीलियो P70, तो तुम देख सकते हो इसमें हीलियो P70 आराम से जीत चुका है, और जहाँ तक इसका जो स्कोर गया है वो लगभग कंपेयरेबल है 660 से। तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो इसकी परफॉर्मेंस इस प्राइस रेंज में अच्छी होने वाली है। अब जहां अगर तुम सोचो कि इसे कंपेयर कर रहे हैं ऑनर ATX से और इसे कंपेयर कर रहे हैं रेडमी नोट 6 से, तो इसकी प्राइसिंग ऑफकोर्स मेरे तरफ से जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, जो बाकी सारे काफ़ी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो है 13,999 या फिर 14,999 इसकी बेस प्राइसिंग स्टार्ट रहेगी, क्योंकि जो भी इसके जो राइवल्स हैं, जो भी अभी जिनसे कंपेयर कर रहे हैं, वो इसी प्राइस रेंज में आते हैं। और इसका एक मॉडल तो ऑफकोर्स होने नहीं वाला, तो जो इसका हाईएस्ट मॉडल जाएगा वो जहाँ तक है वो जाएगा 19,000 से। 19,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि रियलमी हमेशा बजट के ऊपर देखती है। तो वेल, यही बात थी इसकी प्राइसिंग की और इसके स्पेक्स की। अभी इतनी डिटेल्स हमारे पास आई हैं, डेली काफ़ी सारे लीक आ रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं इंटरनेट पे। तो वेल, जो भी है 28 तारीख को आपको इसकी ऑफिशियल वीडियो हैंड्स ऑन मिल जाएगा इस चैनल पे, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाय द वे, ये वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके अपने सजेशन दो वीडियो कैसी थी, या फिर किसी नए टॉपिक की वीडियो चाहिए तो उसके लिए सजेशन दो। और बस, मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।